सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ हिंदी मीडियम के सेकेंड डे के बारे में, और मैं 11:30 बजे तक के अपडेट बताऊंगा, सुबह 11:30 बजे तक के चाइना के। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा फर्स्ट डे का अपडेटेड कलेक्शंस क्या आया है और उसमें कितनी गिरावट आई है। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता देता हूँ ये जो गिरावट आई है अगले कलेक्शन वो कितनी आई है। 3.68 करोड़ तक का 3.68 मिलियन डॉलर का कलेक्शन था, जो अब 3.34 मिलियन डॉलर तक हो चुका है, यानी कि करीबन करीबन $30 के ऊपर गिरावट देखी गई है, $0.30 के ऊपर मिलियन डॉलर। और यहाँ पे 21.71 करोड़ का इसका कलेक्शंस हुआ है। कल कलेक्शंस था, सभी को याद है, 23.92 करोड़, यानी कलेक्शंस करीबन करीबन 2 करोड़ कम आया है ना, 2 करोड़ कम आया है करीबन करीबन, बिल्कुल 2 करोड़ के आसपास कमी हो गई है कलेक्शंस में, अपडेटेड कलेक्शन ठीक है चाइना का। तो ये हो गई बात। अब मैं बात करता हूँ आज का क्या रिस्पॉन्स है। आज 1.23 मिलियन डॉलर इसने ऑलरेडी कमा लिया है, दूसरे नंबर पर आज भी तावीज़ है, कोई भी फिल्म बाकी आप देख सकते हैं इसे टक्कर नहीं दे पा रही, यानी कि मुझे उम्मीद थी कि द स्नो क्वीन और द कैट्स एंड पीच टोपिया ये दोनों टक्कर देगी जो आज ही रिलीज़ हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी भी ज़्यादा टक्कर दे पाएगी। और यहाँ पर अगर आप देखें एडमिशन्स के हिसाब से तो 2 लाख के ऊपर एडमिशन्स ऑलरेडी हो चुके हैं। 1.23 मिलियन डॉलर कितना हुआ है, 7.99 करोड़, यानी कि पकड़ लीजिए इस फिल्म ने 8 करोड़ ऑलरेडी कमा लिए हैं, और 8 करोड़ ऑलरेडी कमा लिए हैं तो मेरा प्रेडिक्शन 30 से 32 करोड़ शायद आज सही हो सकता है। एनीवेज देखते हैं क्या कलेक्शन आएगा, आपकी क्या राय है पूरे दिन भर में क्या कलेक्शन होगा हिंदी मीडियम का ज़रूर बताइए। और शोज़ के हिसाब से तो मैंने बताया था कल से थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, लेकिन हाँ फिर भी करीबन करीबन 4,000 शोज़ की तो कमी है, ये आपको एग्री करना पड़ेगा इस बात से। उम्मीद करते हैं फिल्म बढ़िया चले और महीना भर चले तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और जिस हिसाब से फिल्म चल रही है 3 दिन में इंडिया का जो कलेक्शन रिकॉर्ड था 69 करोड़ तक का उसके ऊपर निकल जाएगी हिंदी मीडियम ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के इतना ही,